जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि ये इस्लामी पोस्ट जो हम लगाते हैं कम्युनिटी के अंदर, GIF पोस्ट, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ये हमने कैसे बनानी है। देखें, जब हम पोस्ट को अपलोड करते हैं, जब प्लस के आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जब पोस्ट के ऊपर हम जाते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है, जो आपको पीछे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि हम इसकी जो रेशो है वो भी सही सिलेक्ट करते हैं, इसके बावजूद ये ऑप्शन क्यों आता है, हमारी जो है वो पोस्ट वो सही तरीके से बनती नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह का वो ऑप्शन आता है। देखें, मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जहां ये सिर्फ पोस्ट ही अपलोड करते हैं और बेशुमार जो सब्सक्राइबर जो है वो गेन कर रहे हैं। आजकल इसका जो ट्रेंड है, तो आप भी अपनी कम्युनिटी के अंदर इस तरह की जो पोस्ट अपलोड करें और अपने सब्सक्राइबर को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये पोस्ट कैसे हमने बनानी है, कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो अगर चैनल के ऊपर आप नए आए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और इसका जो बेल का आइकन है उसको आपने वो दबा देना है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो गई है, तो यहाँ पर हमने जो है प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। यहाँ जो इसका सर्च बार है, यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल करना है। यहाँ हमने दो एप्लीकेशन हमें चाहिए, एक यह कि जिससे हमने वो इमेज वगैरह लेने हैं, दूसरा वो जो हमने जिसके ऊपर वो काम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो एप्लीकेशन है वो सर्च करनी है, हमने इमेज सर्च मैन। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी इसको वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसका जो सर्च बार है, यहाँ में हमने ये सर्च करना है इस्लामिक GIF फ्री डाउनलोड, ये चीज़ हमने यहाँ सर्च करनी है। तो देखें, जैसे ही हम वो सर्च करेंगे तो ये देखें हमारे पास किस तरह के बने बनाए रेडीमेड जो है वो इमेज आ गए, जो बड़े बेहतरीन तरीके से पोस्ट बनी हुई है। ये देखें किस तरह वो फ्लिशिंग कर रहे हैं, ये देखें। यहाँ से हम जो है कुछ वो डाउनलोड कर लेते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसके अलावा इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आप जो है वो जितने मर्जी आप यहाँ से वो ले सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत है, सारे माशाल्लाह से खूबसूरत हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो गया है। तो अब हम पीछे चले जाते हैं, फिर से हमने प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है और वहाँ हमने जो एप्लीकेशन या हमने वो सर्च करनी है वो ये है। इसका जो सर्च बार, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, ये जहाँ लिखा हुआ है GIF मेकर, ये एप्लीकेशन हमने वो इंस्टॉल करनी है। तो आपने इंस्टॉल कर लेनी है, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये आपको इसका लोगो नज़र आ रहा होगा, तो आपने यही वाली सेम है आपने इंस्टॉल करनी है, कोई दूसरी नहीं करनी। ये जो ओपन वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखें यहाँ पर बेशुमार जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ देखें एक है इमेज GIF और दूसरा है कि वीडियो GIF। अगर आपने कोई वीडियो बनाई हो इनशार्ट के ऊपर, आपने अपनी मर्जी से जो पोस्ट बनाई हो, तो फिर आपने वीडियो GIF के ऊपर जाना है। तो हमें बनी बनाई चीज़ें मिली हुई हैं, हमने क्या टाइम ज़ाया करना है। तो हमने ये जो इमेज GIF है इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। ये देखें हमारे पास जो हमने डाउनलोड किए हैं यहाँ पर वो आ गई सारी। तो इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ। हमें दो जो है वो इमेज यहाँ पे चाहिए, तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने एक जो है वो नहीं रखनी है, आपने एक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने जो दो है वो लाजमी आपने यहाँ पे लेनी है, कोई सी भी। ऊपर ये जो टिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो ये देखें लोडिंग शुरू हो गया है। अब यहाँ से हम प्ले करके देखते हैं, तो ये देखें इस तरह ये एक वर्क कर रहा है, ये कितना खूबसूरत, ये मतलब है कि ये फ्लश कर रहा है। तो ये जो स्पीड है, बाकी हम टूल समझ लेते हैं, ये जो स्पीड है इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये देखें इस तरह हो जानी है, ये ज़्यादा मतलब है कि वो मूवमेंट कर रही है, ज़्यादा फ्लैश कर रही है। तो उसके बाद हमने ये जो अगर कलर वाले ऑप्शन है के ऊपर है, तो आपने कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ देखें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हैं, तो कोई भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं इसको लगा के चेक करता हूँ। ये देखें हमने प्ले किया, तो ये देखिए इस तरह का हो एक इफेक्ट आ गया है। उसके बाद
यहाँ ये जो फ्रेम लिखा हुआ है, तो आप इसको फ्रेम के अंदर भी ला सकते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा वो फ्रेम हैं, यहाँ से आप कोई भी फ्रेम आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो राउंड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके जो कॉर्नर वो राउंड हो जाएंगे। उसके बाद जो इसको रेशियो का जो मसला आता है, यहाँ आपने वीडियो को गौर से आपने देखना है, जो लिखा हुआ है एक्सपेक्ट रेशियो, इसके जो हमने इसके ऊपर करना है क्लिक। उसके बाद ये जो 1/1 है, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो ऊपर टिक वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। तो उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे जो है इसको हमने कस्टमाइज कर लेना है, और ये जो लिखा हुआ है 560x560, इसको हमने कम कर लेना है थोड़ा सा। इसको हमने तकरीबन 300 या 350 तक ही हमने इसको रखना है, ताकि ये हमारी जो पोस्ट है वो आसानी से लग जाए। अगर ज़्यादा हैवी होगी तो वो यहाँ पे वो नहीं लगेगी। तो ये देखें हमारी पोस्ट जो है वो यहाँ वो सेव हो गई है। तो ये देखें, अब ये हमें कह रहा है कि ये कम से कम 16 MB से कम होनी चाहिए, ये तो हमारी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये इजीली हमारी पोस्ट जो है वो लग जाएगी। तो अब हम इसको इसका जो लगाने का तरीका है वो सीख लेते हैं। इस पोस्ट को हम लगाते हैं, ये मैंने YouTube को मैंने ओपन कर लिया है, ये मेरा चैनल जो ओपन हो गया है, ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। उसके बाद हमने ये क्रिएट ए पोस्ट के ऊपर हमने करना है क्लिक। ये देखें दो पोस्टें जो हमने बनाई थी, ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें बड़े आसानी से वो इसका जो रेशियो है वो सिलेक्ट हुआ है, तभी जाके ये हमारी पोस्ट लग रही है, वरना ये जो पोस्ट है वो नहीं लग रही थी, जो पहले शुरू में आपने वो मसला देखा था। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। ये देखें हमारी जो पोस्ट है वो दोनों वो यहाँ लग रही थी। यहाँ आप कुछ भी वो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह का। उसके बाद आपने इनको वो पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी पोस्ट जो है वो लग जाएगी। अब हम चैनल के ऊपर जाके और चेक करते हैं, योर चैनल के ऊपर आके हम यहाँ पे हम जो है वो कम्युनिटी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ ये देखें, ये वो वाली हमारी जो पोस्ट है वो देखें कितनी बेहतरीन जो है वो लग गई है, जो दूसरी जो हमने बनाई थी ये देखें ये भी लगी हुई है। तो आप इस तरह जो है वो इजीली जो है वो आप पोस्ट बना सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने शेयर लाजमी करना है, क्योंकि ये जो काम होते हैं सदका जारिया होते हैं। इससे पहले मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपने ये वीडियो को आपने शेयर करना है। देखें आप ये जो काम करेंगे सदका जारिया में चले जाना है, क़यामत तक ये काम जो आपका वो चलता रहेगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।